मैक्स विलियन एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे। इन्वेंशन की रेस में जो दो कदम आगे निकल गए, वह एक स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को स्पेस में ले जा सके। उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि स्पेस में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, जबकि उस वक्त के जहाज़ों में उतनी स्पीड नहीं होती थी। मैक्स ने एक रॉकेट बनाया, उसे गाड़ी पर इंस्टॉल किया गया। गाड़ी 232 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगी, किंतु ये स्पीड स्पेस में जाने के लिए बहुत ही कम थी। मैक्स ने रॉकेट फ्यूल को चेंज करके ज़्यादा तेज जलने वाला फ्यूल का निर्माण करने लगा। 18 मार्च 1930 को नया फ्यूल बनाने का एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से एक रॉकेट पूरी तरह से फटकर बर्बाद हो गई। इस क्राफ्ट की इन्वेंशन में यह पहला हादसा और पहली मौत थी। मैक्स विलियन शायद यदि आज जिंदा होते तो वह देख पाते कि जिस चीज़ को वह इन्वेंट करना चाहते थे वह कितनी अच्छी तरीके से आज उड़ रही है।